नहीं 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 जोश वाला जयकारा होना चाहिए। बोलिए रानी सती दादी की। अब एक बार मैं चाहूंगा अगर आपको ये दादी जी की दिव्य जोश आज जो भारत वर्ष में भ्रमण कर रही है पूरे हर जगह हर स्थान पर, प्रथम चरण में जो जो स्थान श्री रानी सती फाउंडेशन ने दादी जी के दिव्य ज्योत को लेकर घूमकर दादी भक्तों को ज्योत के दर्शन कराए हैं, अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा तो एक बार मैं चाहूंगा श्री रानी सती फाउंडेशन के लिए तालियां बजाइए आप लोग जोरदार। अब ये आपकी तालियों का आशीर्वाद ये है कि जैसे ही ये ज्योत 7 तारीख को विराम करेगी कलकत्ते में, उसके बाद जिस जिस स्थान पर दादी की ये ज्योत नहीं गई है, छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, जिस जिस स्थान पर नहीं गई है उस स्थान पर उसके बाद द्वितीय चरण में दादी जी की ज्योत जाएगी, ताकि जो दादी भक्त अभी इस ज्योत के दर्शन नहीं कर पाए या दादी जी के चमत्कारों से अनजान है उन भक्तों को दादी जी का आशीर्वाद मिले। और ये प्रयास केवल और केवल इसलिए सफल हुआ है क्योंकि आपका जो उत्साह है ना, वो देखकर हमें लगता है कि इस यात्रा को और कम से कम 60-65 दिन बढ़ा देना चाहिए। बोल रानी सती दादी की जय। आइए अब इस यात्रा के दौरान आप ही के जैसी एक दादी की भक्त दादी बेटी ने मुझे अपने दिल की बात बताई कि संजय भैया मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, और जो जो उन्होंने मुझे अपने दिल की बात बताई वो मैंने कोशिश की कि आपको भजन के माध्यम से सुनाऊं। आप सब ध्यान से सुनिएगा। दादी की एक बेटी थी, रोज सेवा करती दादी जी की, रोज, थोड़ी देर बात मत कीजिए दीदी प्लीज, रोज दादी की सेवा करती, लेकिन झुंझुनू जाने का उसे मौका नहीं मिला। उम्र भी हो गई, उम्र के बाद एक बार ऐसा अवसर आया जब वो झुंझुनू जाके आई, और जब झुंझुनू जा करके वापस आई तो बच्चे थे, बड़े हो गए, शादियां हो गई, सब कुछ हो गई, लेकिन उनके मन में देखिए कैसी इच्छा हुई कि उनको मन में ऐसा लगने लगा कि दादी जी के दरबार जब से मैं जाके आई हूँ तब से मेरा किसी काम काज में और मन नहीं लग रहा। ऐसे तो बच्चे बड़े थे, बहुएं थी, सब काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं लग रहा था। तो वो मुझसे मिल गई इस यात्रा के दौरान, और उन्होंने मुझसे कहा कि देख बेटा, जो जो मेरे मन में बात है मैं तेने बताऊं, अगर तेने बढ़िया लागे तो और भी जी की दादी की बेटियां है ना बन जाकर जरूर सुनाई जाए। मैं कहूं सुनाने के लिए तो मैंने भजन बनाना पड़ेगा। बोले वो तेरी इच्छा। तो दादी जी के आशीर्वाद से वो भजन बनाए। अब सुनो के इब तो काम काज में मारो यो मन न लागे, इब तो काम काज में यो मन न, वो दादी पीहर जैसो थारो झुंझुनू धा, आई जो दादी पीहर जैसो झुंझुनू। अब देखिए जिन बेटियों की शादियां हो गई ना उनको मालूम है पीहर में जाने का आनंद क्या होता है। तो अगर उन्होंने कहा, समझिए 55 बरस से ऊपर 60 बरस की उम्र होने वाली उस समय उन्होंने कहा कि मुझे दादी के धाम गई तो पीहर के जैसा आनंद आया, और कैसे आनंद आया पीहर के जैसा पूरे भजन में आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार वो आनंद, और अगर दादी के धाम को आपने अपना पीहर बना लिया ना तो ये मैं गारंटी देता हूँ कि आपसे सुखी इस परिवार में कोई नहीं होगा। बोल रानी सती दादी। आइए बड़ी 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 उम्र की हमारी दादियों ने ताइयों ने इस भजन को सुनकर बड़ा सारा एक बार तालियां बजाकर 1 2 3 4 इब तो काम काज में मारो यो मन न लागे, इब तो ओ दादी पीहर जैसो थारो झुंझुनू, ये लागे जोर से बोलना होगा, ओ दादी पीहर जैसो थारो, ओ दादी पीहर जैसो थारो। अब पीहर जैसा धाम कैसे लगेगा, एक बार तालियां बजाओ जोरदार, 1 2 3 4।
उन्होंने मुझसे कहा, बेटा जब मैं झुंझुनू जाऊं ना तब तो मेरी उम्र 60 के लगभग होने लगी, मेरा माँ मेरा पिताजी सबको स्वर्गवास हो गए, लेकिन मैं झुंझुनू अब की बार गई पहली बार और मने लागो के जद जद झुंझुनू धाम में जाऊं, मैं बटा जाऊं ना तो मैंने इसको लागे ये मेरी माँ मेरे सिर पर हाथ फेरा रही है, ये भाव मेरे मन में लागे माँ के सामने बैठ कर लागन लागे जो मेरी जननी जो है ना वो मेरे सिर पर हाथ फेरा रही है। मैं बोले वाह, तारे मन में ऐसा भाव आया, अब तो दादी की हर बेटिया ने यह बात बताना पड़ सीखे के जते जते झुंझुनू धाम में भर पाऊं, और दादी अहिया लागे है कि दादी ओ दादी ओ दादी ओ दादी जी को आंचल मारी माँ सो लागे, दादी जी को आंचल मारी अरे माँ सो लागे, ओ दादी पीहर जैसो तारो रुदा दादी ए लोग मने गाना कौन देवे अठारह दादी भगत मने गाना कौन देवे साके तो भाई ये तो बेटी की बात है थारो पीरो थोड़ी होसी जिनु दाव अरे तो मारो भी आप लोग घर ही समझू भी नहीं क्या बात है। आ जाओ एक बार, जिनको दादी का घर अपना घर लगता है वो मिलकर एक साथ बोलिए एक साथ दादी ओ दादी पीहर जैसो थारो ओ दादी पीहर अब पीहर के नाम से बेटियां कितनी राजी हो गई है कि नहीं जाने के लिए राजी हो ना। आज माँ आई है आपकी बेटी का घर है कहीं आदर करोगा थारे मन से यहाँ कर लो लेकिन ताली बजाकर स्वागत जरूर करो। एक दो तीन चार मैं पहली बार गई लेकिन जाने के बाद मनीषो लागो जी मैं जब मंदिर में सामने बैठी हूँ तो मेरे मन की जो भी बात बोल रही हूँ मन लागे जी मैं पीरे में जाकर मेरी माँ से बोल रही हूँ के देखो जरा ध्यान से सुनो बेटी बड़ जत हाल बताऊं बेटियां माँ के पास जावे तो सब बतावे ए माँ मेरा शास्त्र में यह है देख देख इस तरह की बात है और माँ भी बोले बेटा चिंता मत कर माई को आशीर्वाद है सब ठीक हो जाएगा। बेटी बड़ जत हाल बताऊं अरे मन ने मेरे हड़ को पाऊं मन ओ अइया लागे जइया बैठी हूँ के लागे अइया लागे जइया बैठी हूँ गोदिया में माँ के अइया लागे जइया बैठी गोदिया में माँ के ओ दादी पीहर जैसो थारो दादी थारो झुंझुनू अरे इब तो काम काज में मारो यो मन न लागे इब तो काम काज में मारो यो ओ दादी पीहर जैसो थारो झुंझुनू ओ दादी पीहर जैसो थारो झुंझुनू। अच्छी लग रही है ना बातें आपको सही लग रही है तो आपके दिल की बात है कि नहीं है तो उन्होंने मुझे ठीक कहा हर बेटी को सुनाना संजय और जिसको सुनाओगे उसे ही आनंद आएगा। एक बार तालियां आनंद वाली
चाची भी बहुत आनंद ले रहे हैं। चाची जी ने तो लाग रही है कि पीरे में सब ज्यादा आनंद भी ले रहे हैं। क्या बात, बोल रानी सती दादी की जय हो। मैं बोलियो एक ज्यादा ये बटा जा कर आया था ना तो घणो ही आनंद आयो। बोले नहीं नहीं एक चीज और आई। बोले के बोले सुन बेटा यहाँ भी बात सबने बोल जा कर के जगत से ठाणी जाकी माँ हो ओ जगत से ठाणी जाकी माँ हो झुंझुनू धाम सो घर पी हरे हो घर पी हरे हो हर झुंझुनू धाम सो घर पी हरे हो। एकदम दावे के साथ ओ बाका जन्म जन्म का सब दुखड़ा भागे बाका जन्म सब दुखड़ा भागे ओ दादी पीहर जैसो तारो दादी। अच्छा आपको अपने पीहर से कितना प्रेम है, कितना है? बहुत प्रेम है ना, तो वही प्रेम एक बार दादी के इस लाइन में गा के दिखाइए एक साथ। दादी पीहर ओ दादी सज्जन भैया एक बार पूछो तो सही पियर कौन कौन गया है? कौन कौन गए पियर? वो पियर नहीं दादी के झुंझुनू धाम। क्या बात है, क्या बात है दीदी, क्या बात। जो जो अपने पियर गए झुंझुनू धाम वो हाथ उठाइए और जो पियर से बाकी रह गए हैं उनको उनकी माँ बुलाने के लिए आई है कि बेटिया वो भी पूरे पूरे दोनों हाथों को एक साथ ऊपर करके बेटिया अब सो मत अब जाग जा अब जाग जा इतना दिन घना ही इंतजार करया अब थाने बुलाने आई हो अब शेरनी की तरह दहाड़ कर चलो झुंझुनू धाम और दादी को परचम पूरे भारत वर्ष में लहरावा इसी भक्ति करके दिखाओ। एक बार तालियां बजा के एक साथ जोरदार ओ दादी पीहर जैसो तारो झुंझुनू धाम लागे दादी पीहर जैसो तारो झुंझुनू धाम लागे। अब बोलो दादी जी थारो दास बनू मैं हर हर पल थारे चरणा में रहूं मैं हर पल थारे चरणा में रहूं मैं जोर से दादी जी थारो दास बनूं मैं दादी जी थारो दास बनूं मैं हर हर पल थारे चरणा में रहूं मैं हर पल थारे भजन में बताऊंगा कैसे करनी है लेकिन एक बार दोनों हाथों को खोलकर इस जगत जननी के लिए अपने मन में भाव अपनी इच्छाएं आपके पास जितनी शिकायतें हैं जितने संकट है सब आज इसके चरणों में बोल दो एक साथ एक दो तीन चार से ठाणे की बोले अटल छत्र महारानी की बोले जगदम्बे राज रानी की। अब सुनिए एक बार रिकॉर्ड ये बताइए कि दादी जी के पूरे साल में कौन कौन से महीने में विशेष दादी जी का महत्व है? बोलिए भादी मास तो सबसे बाद में सबसे पहले बोलो दादी का सिंधारा कब करो हो जोर से सावन में तो पहली भादो आवे कि पहली सावन तो पहले एक बार गाइए एक साथ
सावन रे महीने में जद होसी मासी धारा, सावन रे सावन रे महीने में जद होसी मासी धारा। अरे भक्ता थारा राचेगा हाथ प्यारा प्यारा, भक्ता थारा राचेगा मा हाथ प्यारा प्यारा। सावन में मेहंदी मांडो तो दादी का सिंगारा करो तो करो ना, अब दास कहीं बनना है बोलो सुनो। के मेहंदी बण थारे हाथ रचू में, मेहंदी बण थारे हाथ रचू में। आप बोलते हो ना मेहंदी ओ मेहंदी, इतना बता कौन सा काम किया है, मैया ने खुश होकर तुझको हाथों में थाम लिया है तो दास बनने के लिए। अरे मेहंदी बण थारे हाथ रचू में, मेहंदी बण थारे हाथ रचू में। हर पल थारे चरणा में रहूं मैं, हर पल थारे चरणा में रहूं मैं। दादी जी थारा दास बनूं मैं, बोलो तारा खाली आगा वाला ही बनी भैया दास, लारा वाला गुनगा रहे। हर पल चरणा में हो, हर पल। सुन भाई पीछे वाला सोचे है कि कोई की नजर आपा पर कोनी पड़े, लेकिन और कोई की पड़ो मत पड़ो, दादी सामने बैठी है, एकदम सामने है, धारे ऊपर है, दादी देख रही है, जितनी से आप दादी की नजरों में हैं। एक साथ अब सेवा अपने मन की, एक बार दोनों हाथों को खोलकर एक दो तीन चार। सावन के बाद जोर से अरे भादौर महीने में जद मेलो मा भरी जे, भादौर महीने में जद मेलो मा भरी जे, अरे भादौर महीने में जद मेलो मा भरी जे, भादौर महीने में जद मेलो मा भरी जे। भादौर में जो जाते हैं उनको मालूम है अष्टमी के बाद, अष्टमी से लेकर भादी अमावस तक दादी जी का नित्य नया श्रृंगार बनता है वहाँ। कभी कृष्ण राधा का रूप, कभी राम सीता का रूप, कभी साक्षात दुर्गा का रूप, अनेक अनेक रूप में श्रृंगार होता है। और दादी के सज धज कर सिंहासन पर रही जे, सज धज कर सिंहासन पर रही जे, हर सज धज कर सिंहासन पर रही जे, सज धज कर सिंहासन पर रही जे। श्रृंगार कब पूरा होता है ये बताइए, दादी का श्रृंगार कब पूरा होता है? जब दादी के सिर पर चुनरी आती है तब दादी का श्रृंगार पूरा होता है। तो आपको बनना है ना दादी का दास, कैसे बनोगे? एक बार तालियां, एक दो तीन चार। अरे हीरा मोती बण थारी चुनर जड़ू में, हीरा मोती बण थारी चुनर जड़ू में, अरे हर पल थारे चरणा में रहूं मैं, हर पल थारे चरणा में। मंगसेरा मंगसर के महीने में कुछ लोग मानते हैं कि दादी का जन्मदिन है, कुछ लोग बता रहा हूँ कुछ लोग मानते हैं दादी का जन्मदिन है, रमाकांत जी के पाठ में लिखा हुआ है दादी का जन्मदिन। लेकिन अगर झुंझुनू धाम में जा करके, झुंझुनू धाम में अगर आप पूछिएगा मंदिर मंदिर से, तो मंदिर में यही बोला जाएगा कि मंगसर नवमी ने दादी को जन्मदिन आवे, मंगसर नवमी ने दादी को जन्मदिन आवे, आंवला नवमी ने दादी को जन्मदिन को नहीं आवे, मंदिर बोले, मंदिर को इतिहास बोले कि मंगसर नवमी के दिन दादी को जन्मदिन। तो मैं तो मंदिर न देखकर चालू पूजा भक्ति कहीं भी कर लो, कोई दिक्कत को नहीं, मन में जो भाव है, दादी ने माँ समझ लो, दादी ने पिता समझ लो, दादी ने घराड़ी समझ लो, दादी ने परिवार वाली समझ लो, दादी ने कोई भी तरीके से मान लो, लेकिन
मेरो मानना यो है कि मंदिर अगर बोल रहे है कि दादी को जन्मदिन मंगसर नौमी ना आवे तो मैं तो मंगसर नौमी मानो। और अभी पिछले दो साल से मंदिर में दादी के जन्म दिवस के ऊपर मंगसर नौमी के ऊपर दो दिन का कार्यक्रम होता है। पिछले साल भी हुआ, इस साल भी हुआ और आगे भी होगा। तो अरे मंगसर के महीने में जब जन्म जयंती आसी, मंगसर के महीने में जब जन्म जयंती आसी, छोटी सी नारायणी ने सब पालनी झूलासी, छोटी सी नारायणी ने जब पालनी खिलासी। और हम लोग कैसे दादी के दास बनेंगे बताइए? छोटी सी नारायणी पालने में झूल रही है, कैसे दास बनेंगे? अरे दादी थारे पालने की डोर बनू मैं, दादी थारे पालने की डोर बनू मैं, अरे दादी थारे पालने की डोर बनू मैं, दादी थारे पालने की डोर बनू मैं, तो हर पल थारे चरणा में रहूं मैं, हर पल थारे चरणा में रहूं मैं, तो हर पल थारे चरणा में रहूं मैं। अच्छा भजन आपको अच्छा लगा या नहीं लगा? दादी के दास बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हैं? अब सुनिए, ये तीन महीने नहीं जो दादी की सेवा करते हैं, जितनी दादी की बेटियां हैं सबके लिए, साल को हर एक दिन थारो उत्सव लेकर आसी, साल को एक दिन थारो उत्सव लेकर आसी, दादी भगत के हर दिन मौज है, हर दिन उत्सव है, साल को हर एक दिन थारो उत्सव लेकर आसी, साल को अरे बड़ भागी ही संजू दादी जोत ने जगासी, बड़ भागी जोत ने जगासी। अब दादी के चरणा के पास रेण है कहिया, जोत थारी बड़ दिन रात जड़ू में, जोत थारी मतलब सीधी सीधी बात है, अपने जीवन को इनके चरणों में जला दीजिए, सीधी बात। इतनी सेवा कीजिए, इतनी सेवा कीजिए कि बाकी सारी चीजें भूल जाइए, केवल एक ही चीज याद रखिए, क्या? के हाथ से जो भी काम हो पर मुख में दादी, हाथ से जो भी दादी दादी बोल दादी सुन ले थी, सुन ले थी माँ सुन ले थी, मैया मैया बोल माँ सुन ले थी, सुन ले थी माँ सुन ले थी, अरे हाथ से जो भी काम हो पर मुख में दादी नाम हो, हाथ से जो भी काम हो पर मुख में दादी नाम हो, दादी दादी बोल दादी सुन ले थी, मैया मैया बोल माँ सुन ले थी, सुन ले थी माँ सुन ले थी, दादी दादी बोल दादी सुन ले थी, सुन ले सी माँ सुन ले सी। बोलिए राणी सती दादी की। हाँ अब देखिए, इतनी देरी, इतनी देर आप लोग दादी जी के श्री चरणों में बैठे हुए, मैंने आपको शुरू में ही कहा इस दिव्य ज्योत को भारतवर्ष भ्रमण करने के लिए लेकर निकलने का केवल एकमात्र उद्देश्य ये है कि दादी भक्त, दादी की बेटियां, दादी की पोतियां जो आज घर में सोई पड़ी है उन सबको जगाना है, और जगा करके उनको इस बात का एहसास कराना है कि जाओ मावड़ी इंतजार कर रही है थारा, अरे साल में एक बार तो जाओ, ज्यादा मत जाओ, लेकिन साल में माँ जाओगी तो बेटा पोता तो अपने आप ही पीछे जाओगे, बिल्कुल जाओगे, माँ के बिना बेटा पोता थोड़ी जावे, माँ आगे चलेगी तो बेटा पोता तो जावेगा ही। देखो मैं जब छोटा है ना तो मानो मारा दादी जी लेकर जाता, बोला आ बेटा, दादी के धोख लगा, दादी के धोख लगा या जगह जननी है, तुम्हें बेटा धोख लगानो सीखा, फिर माँ ले जाने लगी, बेटा आ दादी के धोख लगा या जगह जननी है, तो कहने को मतलब सीधो है कि दादी और माँ लेकर जावे है तभी बेटा बेटी जावे है, नहीं तो अपने मन से तो आप जा को नहीं सका, छोटा रेवा तो कहीं जावांगा, और माँ के लिए बच्चा हमेशा छोटा ही है, गोदी में खेलने वाला ही है। बोल रानी सती दादी की। भाई साहब बहुत सही बात बोले थे कि बेटा पोता भी जाना जरूरी है, बेटियां भी जानी जरूरी है, सब जाना जरूरी है, और जरूरी के लिए है रानी सती फाउंडेशन ई बात ने लेकर गई दादी के सामने एक विनती करी, प्रार्थना करी, माँ इसो कोई काम कर कि आप घर घर जाकर दादी जी के भक्ता ने जगाओ, और दादी जी के आशीर्वाद से यद्यपि जो पहले दिन जब शुरुआत हुई ना तो माने इसो मन में लागो
कि कुछ पीको लाग रहे हो, लेकिन दो बार तीन बार छोटा छोटा शहर में छोटा छोटा गया, 10 घर 15 घर अपना अग्रवाल का और का 15 घर में तो उत्साह। घर में अगर 100 मेंबर है तो 99 मेंबर दादी जी की सवारी में, 100 में से 99 दादी जी की सवारी में। घर में जितना भी मेंबर है, एक मेंबर घर में बैठे हुए खाली घर की रखवाली करने, बाकी सब 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल चाल करके दादी जी के नाम को गुणगान कर रहे हैं। या दादी की शक्ति है और भी शक्ति नहीं जगाने के लिए या महामाई आज थारे घर में आई है, थारे शहर में आई है और दादी जी का परचम ने लहराने के लिए दादी महानायक बनकर चल रही है। दादी की सेना बनाने के लिए दादी थाने परचो दी है, कीके हाथ में दादी की सेना को परचो है पूरा हाथ परचा का ऊपर। और जो दादी सेना में भर्ती होयो है बिल्कुल सीधा उठा कर एक बार दोनों हाथ उठा कर एक साथ हरे हरे महादेव। अब है तो दादी सेना में पक्का। अरे दादी के जयकार से मंत्रों के उच्चार से, दादी के जयकार से मंत्रों के उच्चार से गूंजेगी अब हर गली। दादी जी की सेना जली गूंजेगी हर गली, दादी जी की सेना जली हरे हरे दादी करेगी बली, दादी जी की सेना जली, दादी करेगी बली, दादी जी की सेना जली। अब अगर दादी सेना के मन में इच्छा है कि दो चार भगत खड़े होकर नाच ले तो वो भी नाच सकते हैं। आ जाइए एक बार दादी सेना में जितने भगत है एक बार उठ के खड़े होकर एक साथ एक साथ पूरी सेना खड़ी हो रही है। देखो पूरी सेना खड़ी हो रही है। दादी जी की धर्म ध्वजा घर घर पर लहराएगी, दादी जी की धर्म ध्वजा घर घर पर लहराएगी घर घर। अरे नारायण शिव की शक्ति है दुनिया ये बदलाएगी।
खड़े हो जाइए ना। ऐसा लगता है आपके उत्साह को देखकर कि दादी का साथ है, हमको विश्वास है। और जो रानी सती फाउंडेशन ने उद्देश्य लिया उसकी इच्छा दादी जरूर पूरी करेगी। आज मनोकामना भली, आज मनोकामना भली, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। अभी ले लिए अभी तेरे आ गए दादी जी तेरे
बचाने आ गए दादी जी के काले काले बादल गम के बादल काले काले बादल गम के बादल सर पे मेरे बंधाए मेरा हाथ पकड़ ले दादी मन मेरा दब आए मेरा हाथ पकड़ ले दादी मन मेरा दब आए काले काले बादल गम के बादल काले काले बादल गम के बादल सर पे मेरे मंडराए मेरा हाथ पकड़ ले रे ओ दादी मन मेरा दब आए मेरा हाथ पकड़ ले रे ओ दादी मन मेरा दब आए एक बार धमाल बजा धमाल सक सक दिल सौंप दे पतवार मात में हार भरोसे बैठा रे और सौंप दे पतवार मात में हार भरोसे बैठा रे और नींदड़ली तोड़ो कुल दे भी नींदड़ली तोड़ो कुल दे भी नींद तोड़ के आई है और नींदड़ली तोड़ो कुल दे भी नींदड़ली क्या मैं बड़सी है मोटी से खाड़ी मोटी से खाड़ी मारो बेड़ो पार लगाड़ो पड़सी से मोटी से खाड़ी हो हमने भारी माता लाडे लाजी माने राखी जे समान माने हो हमने भारी माता लाडे लाजी माने राखी जे समान माने Oh,
और जब माइक पकड़ता हूँ ना तो आवाज पता नहीं कहाँ से अपने आप आ जाती है। अगर आपको दादी का चमत्कार देखना है तो मुझे देख लीजिए और चमत्कार समझ लीजिए। बोलिए रानी सती दादी। तो इस पूरे ज्योत यात्रा में जब से शुरू किया तब से लेकर आज तक ये भजन केवल इस ज्योत यात्रा के लिए बना हुआ है। और जहाँ जहाँ दादी जी का स्वरूप बैठा है मैं दावा करता हूँ अगर आप उस स्थान पर इस भजन को सुनेंगे तो अपने आप आपका दिल नाचने को करेगा। एक बार ए में करके थाक्या तो कोनी, अरे थाक्या तो कोनी। ओ सज धज बैठी दादी चुनरी ने ओढ़ के, सज धज बैठी दादी चुनरी ने ओढ़ के, हाथ को चूड़ो थारो खने 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 के, हाथ को चूड़ो थारो जी भर के, नजर हटे ना देखो जी भर के। लेकिन नाचना थोड़ा अलग तरीके से पड़ेगा। तो आई झूझन वाली दादी मारे चढ़, आई झूझन वाली दादी मारी चढ़ के, आई Yeah.
आख्या माई काजलिए री कोल काली काली 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 आंख की नथली की शोभा निराली आंख की नथली की शोभा निराली मुड़क निहारो मारो जियो धड़के जुजरवाड़ी दादी मारी रथ चढ़ के मारी रथ चढ़ के आई जुजरवाड़ी दादी मारी रथ चढ़ के आई जुजरवाड़ी दादी मारी रथ चढ़ के लाल लाल चुनड़ी की लाल लाल लाली 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 कद भी निहारो मारी आंख फड़ के कद भी निहारो मारी आंख फड़ के नजर कौन कौन उतारेंगे दादी का एक बार दोनों हाथ उठाकर ये रथ पर चढ़कर भवानी आई है जुजनवाली दादी मारी रथ चढ़ के आई जुजनवाली दादी मारी रथ चढ़ के ओ रथ चढ़ के दादी रथ चढ़ के रथ चढ़ के ओ दादी सिंह चढ़ के रथ चढ़ के ओ दादी सिंह चढ़ के रथ चढ़ के ओ दादी सिंह चढ़ के आई जुजनवाली दादी मारी चढ़ के आई जुजनवाली दादी मारी रथ चढ़ के आई जुगर वाली 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 दादी मारी रथ चढ़ के बोले राणी सती दादी की अखंड ज्योत की। अब रुकिए कुछ दो मिनट की जरूरी सूचना है आप लोग सुन लीजिए जल्दी जल्दी। अच्छा यहाँ एंड्रॉइड मोबाइल कौन कौन यूज करता है, व्हाट्सएप फेसबुक कौन कौन यूज करता है, पूरे पूरे दोनों हाथ उठा के बता दीजिए। अच्छा ज्योत यात्रा के पैसे कौन कौन जुड़े हुए हैं? नहीं मालूम। दादी जी का एक ज्योत यात्रा का फेसबुक पेज बनाया हुआ है श्री रानी सती फाउंडेशन कोलकाता, फेसबुक पेज बनाया हुआ है, इस फेसबुक पेज पे जाइए दादी जी की ज्योत यात्रा के पेज को लाइक कीजिए और इसमें आप रिक्वेस्ट सेंड कीजिए। श्री रानी सती फाउंडेशन कोलकाता का बैनर है, संजय भैया की फोटो है जिसमें आप संजय शर्मा ज्योत यात्रा लिखने से भी आएगा और पेज को जरूर लाइक करें जिससे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सके। हमारा यही प्रयास है कि हमें भी पता चलना चाहिए कि झरिया में दादी की भक्तों की संख्या कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है और यूट्यूब चैनल में भी आप 2 तारीख से लेके अभी तक जितने कार्यक्रम हुए हैं आप फेसबुक पेज में भी देख सकते हैं और यूट्यूब के यूट्यूब में भी आप जाके देख सकते हैं। ज्योत यात्रा टाइप कीजिए जिसके अंदर आपको पूरा 2 तारीख से लेके अभी तक जितने कार्यक्रम हुए हैं वो सब आपको देखने मिलेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए जिससे छोटी से छोटी जानकारी आपको हम दे सके और आगे जो ज्योत यात्रा का कार्यक्रम होगा उसकी भी जानकारी हम आपको दे सके। अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको जानकारी मिलती रहेगी और आपके म्यूचुअल फ्रेंडों को हम जोड़ते रहेंगे दादी से। इसीलिए एक बार जोरदार जयकारा रानी सती दादी का, बोलिए रानी सती दादी की। अच्छा आज कितने लोग जुड़ेंगे, कितने लोगों की रिक्वेस्ट? देखिए मेरे को तो चेहरा याद है पक्का। आइए मैं अनुरोध करूंगा हमारे श्री चंदू भैया से, चंद प्रकाश जी तुलसियान, श्री रानी सती फाउंडेशन की तरफ से, ये अपने सारे इस फाउंडेशन का उद्देश्य आप सभी दादी भक्तों के बीच रखें। बोलिए दादी की। हम लोग 3 तारीख को झुंझुनू से ज्योत यात्रा भारत भ्रमण ज्योत लेकर निकले थे जो विभिन्न पड़ाव से होते हुए आज हम लोग मौदा
करके इनके त्रास होते हुए जरिया यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ सब जगह दादी भक्तों ने भव्य स्वागत किया। हम उनको नमन करते हैं। यहाँ जरिया में भी बहुत ही भव्य स्वागत हुआ। हम लोग का उद्देश्य पूरे दादी परिवार को एक करना है। जहाँ जहाँ दादी भक्त हैं उनको सबको झुंझुनू भी दिखाना है। जो झुंझुनू नहीं जा सकते उनको जोत जोत का दर्शन कराने के लिए झुंझुनू जाए। और वहाँ आप लोग सब साल में कितने बार झुंझुनू जाते हैं? यहाँ से बस बस दो आदमी जाके देखिए, दादी जी के मंदिर में जाके देखिए वहाँ पर। और हमारे साथ में संजू शर्मा, संजय शर्मा जो निःशुल्क सेवा दे रहे हैं हम लोग साथ में 40 दिन की सेवा में, उनके लिए जोरदार तालियां। हमारे साथ में म्यूजिशियन भाई, आज हमारे साथ में गाड़ी के ड्राइवर, हमारे साथ में ग्वाला भाई और हमारे साथ में सोनू भैया दो पंडित, सब हमारे साथ में आज 40 दिन की सेवा में निकले हुए हैं। आज हम लोग मोटा 28 दिन पूरे हो गए हैं। हाँ, और संजू संजय शर्मा ने महीना में एक दिन मंगल पाठ निःशुल्क करने की भी कसम ली है। जो आप कहीं भी हो, किसी भी भारत में किसी भी कोना में करेंगे, ये उन्होंने दादी मंगल पाठ दादी मंदिर में, तो उनके लिए एक जोरदार तालियां, उनका स्वागत करिए। जय दादी की। हम लोग आभारी हैं कि इस मंदिर के झरिया मंदिर का चुनाव किया रानी सती फाउंडेशन कोलकाता ने और यहां दिव्य ज्योत का आगमन हुआ। हम लोग इस कमेटी के तरफ से, मंदिर कमेटी के तरफ से सभी के आभारी हैं। कल 8 बजे सुबह भव्य शोभा यात्रा धनसार मंदिर से निकलेगी और दिन भर दादी जी का उत्सव भवनकारा गौशाला में। सभी के प्रसाद की व्यवस्था भी वहाँ है। सुबह 8 बजे यहाँ मंगला आरती होकर दादी जी की ज्योत का प्रस्थान धनसार मंदिर हो जाएगा। वहाँ से शोभा यात्रा 8 बजे और भवनकारा गौशाला में मेहंदी, गजरा, गनगोर सभी तरह के उत्सव दिन भर वहाँ होंगे और प्रसाद की व्यवस्था भी वहाँ है। आरती आरती के लिए सभी सम्मिलित हो और फिर ऊपर भोजन का प्रसाद लेकर घर जाएंगे। कल 9 बजे सामान लग जाएगा। चलिए सबका चले। ठीक है, ठीक है।